हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम साइज 32 इंच बॉर्डर वाला ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 80 सेंटीमीटर है और इसमें देखिए दोनों तरफ से बॉर्डर है। एक तरफ का बॉर्डर हमारा बाजू में आएगा और दूसरी तरफ का बॉर्डर हमारा पीछे वाले पल्ले में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाजू के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारी जो किनारी है वहाँ से छोड़ के हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और सीधी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है, बाजू की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें दो लेयर में अच्छे से बिछा लेना है और जो कपड़े की खुली साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। फिर हम यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई 13 इंच लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर 15 इंच पर लाइन खींचेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे हुक और आई की पट्टी के लिए। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर हम गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 के आधे हुए 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हम 6 इंच लेंगे। तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और हल्की सी गुलाई करनी है। फिर हम शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की लंबाई भी हम 6 इंच लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो अब हम सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 के 1/4 भाग हुए 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अब हम कमर की चौड़ाई नापेंगे। कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो 26 के 1/4 भाग हुए 6.5 इंच, जिसमें हम 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। फिर हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। यहाँ पर 2 या 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। कुछ लोग हैं लाइक कर देते हैं और कुछ लोग हैं कि लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से क्या होता कि हमें पता चलता है कि कितने लोग हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम एक पल्ले को लेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो 1/2 इंच का मार्जिन लिया है वहाँ से छोड़ के प्लेट की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और लंबाई भी हमें 4 इंच लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो अब हम दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें लंबाई लेनी है 4 इंच और 2 इंच का हमें गैप लेना है। फिर हम दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। अगर बड़ा साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2.5 इंच का गैप लेना होगा। तो अब हम तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें लंबाई लेनी है 4 इंच और 2 इंच का गैप लेना है। फिर हम दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। तो अब हम चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2 इंच का गैप लेना है और इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले पर प्लेट का निशान लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रख लेना है एक बराबर। और रखने के बाद हम छाप लेंगे, जिससे हमारे दूसरी तरफ भी निशान लग जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे निशान लग चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से निशान लगा लेंगे, इससे हमारे निशान अच्छे से दिखेंगे। तो हमारे देखिए आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और प्लेट का निशान भी लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से बिछा लेना है
और जो कपड़े की बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगी। यहाँ पर हमारी जो किनारी है वहाँ से छोड़ के हम ब्लाउज की लंबाई 13 इंच लेंगी और आधा इंच हमें ऊपर की तरफ मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर 13.5 इंच पर निशान लगाएंगी। फिर हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और ब्लाउज को अच्छे से रख लेंगे। फिर हमें साइड में सेम निशान लगाने हैं और यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले पर 1 इंच पर निशान लगाया था और पीछे वाले पल्ले पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से अरमोल की गोलाई करेंगी। गले की चौड़ाई हमें सेम रखनी है 2.5 इंच। फिर हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगी और गले की लंबाई नापेंगी, तो यहाँ पर गले की लंबाई हमारी 8 इंच है और आधा इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाएंगी। इस तरह से बॉक्स बनाना है और हल्की सी गोलाई करेंगी और यहाँ पर हम पीछे वाले पल्ले को 60 से 1/2 इंच छोटा रखेंगे। और नीचे की तरफ देखिए हमने निशान लगाया है 1/2 इंच पर और 1/2 इंच हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया है। और यहाँ पर देखिए हमारी ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है, तो अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। चौड़ाई हम 5 इंच लेंगे और लंबाई 4 इंच लेंगे, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। दूसरे प्लेट की चौड़ाई भी हमें 5 इंच लेनी है और लंबाई 4 इंच लेनी है, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो हमने देखी पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है, तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है, कपड़े को हमें अच्छे से बिछा लेना है फोल्ड करके। नीचे की तरफ जो किनारी है वहाँ से छोड़ के लंबाई नापेंगी, तो यहाँ पर लंबाई हमारी 4 इंच है और 1/2 इंच का मार्जिन लेंगी, तो यहाँ पर 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और बाजू की मोरी हमारी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। यहीं से बाजू की चौड़ाई नापेंगे, तो यहाँ पर हम बाजू की चौड़ाई लेंगे 7 इंच, तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे और दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे और साइड में जो हमारी बाजू की चौड़ाई कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर की तरफ पट्टी है उसको अच्छे से कटिंग करेंगे और यहाँ पर इसको रखेंगे इस तरह से और ऊपर से हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी पट्टी है उसको हम यहाँ पर सिलेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच की गहराई लेंगे, तो इस तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमें कट लगा देना है। एक कट हमारा आगे वाले पल्ले पर रहेगा और जो हमने पट्टी कटिंग की थी उनको हम इस तरह से सिलेंगे दोनों तरफ से। जब हम इस ब्लाउज को सिलेंगे तभी बताएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, और ये भी पट्टी कटिंग करेंगे। 2 इंच चौड़ी हमें 2 पट्टी कटिंग करनी है पाइपिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 और ये भी पट्टी कटिंग कर ली हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 1 इंच चौड़ी 2 और पट्टी कटिंग करेंगे डोरी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखी 1 इंच चौड़ी 2 पट्टी कटिंग करी हैं डोरी बनाने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, आई और हुक वाली पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आई और हुक वाली पट्टी कटिंग कर ली है और हमारी देखिए डोरी के लिए पट्टी कटिंग हो गई है।
और ये हमारी गले के लिए पट्टी कटिंग हो गई है और इस तरह से आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है और ये हमारी पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने साइज 32 इंच बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया है। और दोस्तों इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।